वेलकम बैक टू चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो गाइस, अगर आपने Amazon पेलेट को एक्टिव किया हुआ है और आपको बहुत ज्यादा कम मिले हैं बैलेंस, जैसे कि मैंने जब अप्लाई किया था मेरे को 10,000 रुपए ओनली मिले थे, आज की डेट में मेरा जो है बढ़ के 30,000 हो गया। अब देखो, आपको 10,000 मिलते हैं और आप उससे एक फोन खरीदना चाहते हो वो भी 30,000 का EMI पे, तो आप कैसे खरीदोगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए आपको अपने Amazon पेलेट बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ेगा कैसे अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है और गारंटी आपका बढ़ जाएगा। तो इसके लिए जो है आपको कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है खुद जो है आपको एग्जीक्यूटिव के मुंह से सुनवाऊंगा। तो अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो जरूर से इस वाले वीडियो को एंड तक देखना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट जंप इनटू द वीडियो। तो गाइस, अगर आपने देखा हुआ है कि Amazon पेलेट को मैंने एक्टिव किया हुआ है, कैसे एक्टिव करना है उसका प्रोसेस पे मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Amazon पेलेट को एक्टिव करने पर आपको EMI पे चीज आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, मैंने अपने Amazon अकाउंट को ओपन किया। अब यहाँ पे सीधा मैं चला जाऊंगा Amazon पे वाले सेक्शन में। Amazon पे वाले सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा बैलेंस कितना है Amazon पे लेटर का, 30,000। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे डिटेल सारा कुछ आपको दिखेगा। अवेलेबल लिमिट है 30,000 और टोटल अप्रूव लिमिट भी 30,000 ही है। मतलब अभी मैंने 30,000 होने के बाद एक भी रुपए खर्च नहीं करा और ये मेरा 10,000 था। आपको पता होगा अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो, और अगर आप जो है Amazon पेलेटर को अभी एक्टिव करना चाहते हो, प्रोसेस देखना चाहते हो, वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए बताता हूं कि कैसे आपको ये बढ़ाना है। देखो, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जब आपको लिमिट मिलेगा तो आपको है ना कुछ ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है कुछ ट्रांजेक्शन किए थे, 5-6 ट्रांजेक्शन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। आप पूरा का पूरा खर्च मत करना। जैसे आपको 10,000 मिल जाते हैं तो आपको है ना 2,000 ही खर्च करने हाईएस्ट। देखो जितना बार मैंने यहां पे यूज किए हैं 2,000 से ज्यादा मैंने यूज नहीं किए हैं, तो आपको कम ही यूज करना है, क्योंकि ये जो है आपके मतलब सिबिल पे ये थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है। जब आप यहां से जो है ज्यादा खर्च करोगे ना तो आपके सिबिल पे ज्यादा इफेक्ट होगा, और यहां पे अगर आप कम खर्च करोगे और आप जो है मतलब रेगुलर टाइम पे करोगे तो आपका सिबिल बढ़ेगा, जरूर से बढ़ेगा, क्योंकि मेरा भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये काम आपको सबसे पहले स्टेप में करना पड़ेगा। अब दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा, देखो यहां पे मिनिमम से जो है आपको 6 मंथ मिनिमम यहां पे आपको 4-5 जो ट्रांजेक्शन करने हैं वो 6 महीने के अंदर करने हैं। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन होगा छोटा छोटा ही होगा, मतलब 2,000 से कम ही होगा अगर आपका बैलेंस जो है 10,000 है तो, और अगर आपका बैलेंस 30,000 है तो आप वहां पे जो है मतलब 6,000 तक खर्च कर सकते हो आराम से। तो दैट्स इट। अब गाइस आ जाते हैं आपकी मेन स्टेप। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, देखो क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो स्टेप आप फॉलो करना, दैट्स इट हो जाएगा। यहां पे मेरे पास Amazon पे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड भी है और HDFC का भी है। तो यहां पे मैंने iMobile एप्लीकेशन को ओपन करा हुआ है, देख सकते हो यहां पे जो है मेरा टोटल क्रेडिट लिमिट कितना है वो देखो, 1,90,000। ठीक है, आप यहीं पे ध्यान से देखना। तो यहां पे मतलब जल्दी-जल्दी से मेरे को मतलब अपग्रेडेशन मिला है, यहां पे ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये होगा मेरा लिमिट कितना, 1,90,000। यहां पे देखो गाइस जो अवेलेबल लिमिट है वो कितना है, 1,96,116.30। ठीक है, जहां मेरा लिमिट है 1,90,000, लेकिन यहां पे बैलेंस अवेलेबल बैलेंस कितना है, 96, मतलब 1,96,000, 6,116 रुपये ज़्यादा है। अब ये कैसे है, मतलब यहाँ पे है ना मैंने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल दिया अपने क्रेडिट कार्ड में, और HDFC का तो बंद ही कर दिया मैंने खर्च करना। मतलब ज़्यादा खर्च करता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं, 40% अप टू 40% ही खर्च करता हूँ, उसके ज़्यादा नहीं। यहाँ पे तो खर्च छोड़ो, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने 10,000 रुपये डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ से 4,000 रुपये ऑलरेडी खर्च कर लिए हैं और 6,000 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा है, जितना लिमिट है उससे 6,000 रुपये एक्स्ट्रा है। तो आप समझ सकते हो इसी को देख के है ना मतलब मेरा सिबिल बढ़ गया है। ठीक है, अब देखो आपका सिबिल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपके सारे लिमिट्स बढ़ेंगे। ठीक है, आपके मतलब जो क्रेडिट कार्ड है उसके लिमिट भी बढ़ेंगे। ऐसा आप कभी मत सोचना कि आपको क्रेडिट कार्ड मिला है तो आप जो जितना पैसा मतलब लिमिट मिला है उतना सारे के सारे खर्च कर रहे हो और टाइम पे कर रहे हो तो आपका सिबिल बढ़ेगा। नहीं गाइस, इतना जल्दी आपका सिबिल नहीं बढ़ेगा। यही क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर मतलब जो Amazon पेलेट को मैंने जिस तरह से खर्च किए
हैं, उसके बाद मेरे को 6 महीना बाद ही मतलब मेरे को ऑटोमेटिकली मिल गए हैं। ठीक है, कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपको क्या बता रहे हैं वो आप थोड़ा सा सुनो। ठीक है, कि अगर आपका सिबिल हाई नहीं हुआ तो भी आपको 6 महीने बाद अपग्रेडेशन मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, चलो सुनते हैं। यहाँ पे मैंने अमेजोन एग्जीक्यूटिव को कॉल लगाया हुआ है और ये ही बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार मैम, जो पे लेटर है मेरा अपने आप बढ़ा है पे लेटर, तो ये पे लेटर कैसे बढ़ता है, मतलब मैं खुद से बढ़ा नहीं सकता, थोड़ा ज्यादा लिमिट नहीं कर सकता क्या, जो कि अमेजोन वाले ही देंगे या फिर क्या, मतलब समझ नहीं। हाँ जी, पे लेटर जो है ना आपके मैंने आपके परचेज हिस्ट्री एज वेल एज क्रेडिट स्कोर के हिसाब से दी जाती है, और जब आप शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं उसका जो पेमेंट टाइम टू टाइम होता रहता है, दैट एक टाइम के बाद वो बढ़ जाती है। तो आपने इसको यूज किया है पे लेटर को प्रीवियस? हाँ यूज तो किया हुआ है मैंने। हाँ, तो इसके लिए ना आपको एक बार लेंडिंग पार्टनर को कॉन्टेक्ट करना होगा। चार पाँच बार आपका पेमेंट हो गया है ना, अराउंड 6 मंथ का पेमेंट हुआ है क्या? 6 मंथ हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा। 6-7 पेमेंट मतलब ऑर्डर्स वगैरह किए हैं शायद मैंने। 6-7 ऑर्डर नहीं, मैं बोली 6-7 महीना से आप इसको यूज कर रहे हैं। हाँ वो तो डेफिनेटली हो गया। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको एक बार लेंडिंग पार्टनर को कॉल करना होता है। मोस्ट वेली आपकी कैपिटल फ्लोट रहेगी, मैं चेक कर लेती हूँ क्या है। आपने कितना मंथ बताए हैं? 6 मंथ के बाद कर सकते हैं, मैक्सिमम 6-7 मंथ होता है। ठीक है, पर वो क्या होता है ना ऑटोमेटिकली वो लोग बढ़ा देते हैं, नहीं बढ़ता तो एक बार आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको, रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो बढ़ाते हैं, तो आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। जी मैम, तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर लीजिए, वो जो नंबर आपको दिया वो जरूर हेल्प करेंगे आपको। जी जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आंसर इस कॉल के बाद आपको एक सर्वे लिंक भेजी जाएगी, अगर आप वो सर्वे लेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अमेज़न में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कस्टमर केयर जो है क्लियरली बता रहा है कि अगर आपने 6 महीना इसको यूज कर लिया, देखो आपको ज्यादा पेमेंट नहीं करने, मतलब ज्यादा जो है ट्रांजैक्शन नहीं करने, आप हो सकता है 3-4 पेमेंट ही करो 6 महीने के अंदर, लेकिन आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, मतलब आपको जो है ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे अमेजोन पे लेटर को यूज करके। अगर आपके सिबिल नहीं बढ़ते या फिर आपका जो पे लेटर बैलेंस है वो भी नहीं बढ़ते ना, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जो है अपने लैंडिंग पार्टनर को सीधा फोन पे बात कर सकते हो। और 6 महीना अगर आपका हो गया है तो श्योर से अब जब भी लैंडिंग पार्टनर से बात करोगे और बताओगे कि मेरे को जो है अपना लिमिट बढ़ाना है, तो जरूर से आपके लिमिट को बढ़ा के दे देंगे, और ऐसा कस्टमर वाले ही बता रहे हैं, आपने सुना। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको नंबर मिल जाएगा। तो स्पेशली मेरा जो लैंडिंग पार्टनर है वो है कैपिटल फ्लोटिंग, आपका IDFC बैंक भी हो सकता है, क्योंकि अमेजोन पे लेटर का 2 ही लैंडिंग पार्टनर है, और वो है एक है IDFC बैंक और दूसरा है कैपिटल फ्लोटिंग। तो दोनों का ही नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, ऊपर भी देख सकते हो आप फ्लैश हो रहा है, तो आप जाके अपने लैंडिंग पार्टनर को कॉल कर सकते हो अगर आपको बढ़ाना है तो, और अगर आपने 6 महीना कंप्लीट कर लिया है तो। तो इस वाले वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आप अमेज़न पे लेटर को कैसे एक्टिव करना है उसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है अमेज़न पे का ओवरड्यू चार्जेस क्या है उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो सारे वीडियोस देखना चाहते हो तो अमेज़न नाम का एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आई कार्ड पे मिलेगा, एंड स्क्रीन पे मिलेगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस वाले वीडियो में गाइस इतना ही, उम्मीद है अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अमेज़न पे बैलेंस को अगर आप एक्टिव करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके जल्दी जाओ साइन अप करो अमेज़न पे बैलेंस को, और आज ही से जो है अमेज़न पे लेटर को भी अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।